तो पावर बीआई में अभी भी मैंने एक डेटा यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जिसमें आपने एक डेटा मैंने एक्सेल शीट से लिया है, जिसमें सीरियल नंबर, डेट, नेम, सिटी, कोर्स, क्वांटिटी और एमआरपी लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी कोई डेटा करते हैं तो डेटा के सारे फील्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास तीन विंडो है, पहला है आपका रिपोर्ट जहाँ पे आप रिपोर्ट बनाएंगे, दूसरा डेटा जहाँ पे आप डेटा देखेंगे, और जरूरी नहीं कि आप एक ही शीट का डेटा, आप कई सारे शीट, कई सारे फाइल का डेटा इसके अंदर डाल। उसके बाद यहाँ पे डेटा मॉड्यूल होता है, डेटा मॉड्यूल का यूज होता है दो शीट्स के बीच में रिलेशनशिप करने का, ये हम आगे आपको समझाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पेज वन, पेज टू, जैसे आप एक्सेल में शीट इंसर्ट करते हैं ऐसे यहाँ पे पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, रिपोर्ट बनाने के लिए सिंपल सी बात समझते हैं कि यहाँ आपके फील्ड है, ये आपके विजुलाइजेशन है और यहाँ पे आपको रिपोर्ट आएगी, बस ड्रॉप डाउन करना है। जैसे चलिए एक सिंपल सी रिपोर्ट हम आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से ए वाली जो गैट चार्ट है वो लिया, गैट चार्ट को हमने ऊपर में रखा और यहां हमने क्या किया, क्वांटिटी को रख दिया। यहां पे क्वांटिटी बता दिया कि भाई 70 के टारगेटेड था और 83 का आया है। तो एक बार और एक गैच चार्ट लेते हैं और गैच चार्ट को मैं इस कोना में रख देता हूं, इसमें मैं एमआरपी रखता हूं। पर एमआरपी का टोटल करना सही नहीं है, क्योंकि एमआरपी तो एवरेज होता है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए कि 87 क्वांटिटी बिका है, लेकिन ईच क्वांटिटी कीमत 3666 है। क्या है? 3666। तो यहां हम इसमें क्लिक करेंगे और सम के जगह पे यहां एवरेज कर देंगे, तो ये एवरेज 3 रुपीज का यहां पे पड़ रहा है। हालांकि इसकी जो प्रोजेक्शन है, जैसे कि इस 20 केस का टारगेट वही हो गया, मैक्सिमम हो गया, या टारगेट कितना था, कितना अचीव हुआ, ये चीज़ें भी चेंज की जा सकती है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम टारगेटेड वैल्यू दिख रही है, ये चीज़ हम आपको आगे क्लास में समझेंगे। आप इसकी कलरिंग फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहें तो फॉर्मेट पे जाके इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं कि डेटा का कलर कैसा होना चाहिए। तो डेटा कलर मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको ए कर लिया और इसको कर देता हूँ ग्रीन। मोर कलर पे जाके भी आप अपने कलर ले सकते हैं। अब रिपोर्ट जब बनती है तो टाइटल तो देना ही होता है, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स, और इसको आप देखिए पावर के, इसकी पावर बीआई की ही एक खासियत है कि एक ही विंडो पे चार्ट की तरह बना सकते हैं। टैब्लू में क्या होता है कि एक एक सीट पे एक एक ग्राफ बनता है, फिर एक डैशबोर्ड में सारे ग्राफ को करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो यहाँ हम पहले सबसे पहले यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं, साइज में थोड़ा सा यहाँ 32 कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिपोर्ट जुलाई 2022 और इसकी भी कलर मैं इस कलर में गोल्ड करता हूँ और इसके यहाँ से इसकी कलर चेंज करता हूँ। मैं इसकी कलर जो है थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ। सिलेक्शन पूरा नहीं था इसलिए पूरा सिलेक्शन कीजिए, देन अगेन इसकी कलर हम यहाँ से ब्लू कर देते हैं। और अंडरलाइन भी कर देते हैं, और लेकिन वो सही नहीं है तो इसको हम पकड़ के यहाँ से और इसके हिसाब से अपने हिसाब से जहां एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ और इसकी साइज जो है मैं 32 नहीं, इसके साइज में 20 करता हूँ और यहाँ पे IPT एक्सेल स्कूल कंपनी नेम दे देता हूँ। फिर इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब मेरा ए हो चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी जो रिपोर्ट्स हमें चाहिए होगा वो रिपोर्ट्स हम यहाँ पे
बस अपनी विजुलाइजेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे विजुलाइजेशन आ जाएगा और यहाँ पे आप अपने फीचर्स को उठा के चुपचाप रखते चले जाइए। फीचर्स को छोटा बड़ा इतना करना है वो कर सकते हैं आप यहाँ से। कंट्रीब्यूशन और इसे एमआरपी को उठा के यहाँ रख दिया और इसको थोड़ा नीचे तक, तो हम इस तरह से टेबल का डेटा भी, डेटा टेबल भी उठा के इसके अंदर हम रख सकते हैं। और देख सकते हैं कि एक डैशबोर्ड हमने कुछ मिनट्स में तैयार कर लिया। राइट सर, सो हमारा डैशबोर्ड आप यहाँ पे बन गया। आप मुझे किसी और महीने का बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा सिलेक्टर नहीं है। डेटा सिलेक्टर मतलब कि ये तो ओवरऑल दिख रहा है ना, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से दिखे, तो यहाँ पे स्लाइसर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे पिवट टेबल में स्लाइसर होता है उसी तरह से, तो स्लाइसर को मैंने यहाँ पर रख दिया और स्लाइसर में मान लीजिए मैंने डेट को यहाँ डाल दिया, तो डेट कुछ इस तरह से आपका बना। इसमें अगर मैं लिस्ट पे क्लिक करता हूं, इस तरह से डेट का लिस्ट आ जाता है। ये लिस्ट सही नहीं, तो मुझे इसको मंथ वाइज करना था। ड्रॉप डाउन करता हूं तो ड्रॉप डाउन आ जाता है, पर ड्रॉप डाउन में भी आप देख पा रहे हैं कि ये क्या रहा है, डेट्स आ रहा है। तो डेट वाइज अगर देखना है तो डेट वाइज रख सकते हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए मंथ वाइज। तो आप डेटा के अंदर भी जैसे कि आप यहाँ पे नया कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे नया कॉलम में मैंने बोला कि भाई इसमें मंथ आ जाए, मंथ, और मंथ में जैन फैब करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ डेट सेलेक्ट कर। हमने बोल दिया कि भाई इन्वर्टर को हम MMM 3 बार MM यहाँ पे दिख जाए। और फिर डेटा में हम जैसे कि यहाँ पे एक और हम स्लाइसर ऐड करते हैं। स्लाइसर कई सारे ऐड की जा सकती है, ऐसा बात नहीं है यहाँ पे। और यहाँ स्लाइसर रखा और इस स्लाइसर के अंदर में हमने अपना कैलकुलेटर कॉलम जो मंथ था उस मंथ को ले लिया और यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन ले लिया। या आप चाहो तो पूरा भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रख दूँ और पूरा का पूरा डेट भी दे, सॉरी ये तो थोड़ा जगह नहीं बच रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। इसे जो बड़ा बड़ा है इसको छोटा कर सकते हैं, ये भी बड़ा है इसको भी छोटा कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो।
अब यहाँ पे इस मंथ को ये रखिए, और यहां से ड्रॉप डाउन के जगह पे लिस्ट कर दें। अब ये रिपोर्ट आपका बनके तैयार है। तो यहां से मैं अगर मान लीजिए पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट किया तो उसी डेट का रिपोर्ट बन के आएगा। यहां हम क्लिक कर दिया तो पूरा आएगा। मैं सीधे मान लीजिए जून का चाहिए, मैंने जून पे क्लिक किया, जून का आएगा, हटा दिया, जून का हट जाएगा। और फिल्टर आप ऐसे नहीं, यहाँ भी लगा सकते हो कि मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे काशी को देखना है तो काशी भी क्लिक करूँगा तो पूरा रिपोर्ट काशी के अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाएगा। अनचेक करूँ सही हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट को हमें किसी को भेजना, तो रिपोर्ट मेरा बन गया। अब इसको भेजेंगे कैसे किसी को, तो भेजने के लिए आप फाइल के अंदर जाके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। किस में? पीडीएफ में या फिर पावर बीआई की फाइल में। पीडीएफ में अगर करते हो तो आपका एक पूरा रिपोर्ट पीडीएफ पे उसे प्रिंट आउट होता है उस तरह से आपका आ जाएगा, जैसे देखिए आगे। बट पीडीएफ में आने पे ये जो टिक मार्क दिख रहा है, चाहे ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ये सब वर्क थोड़ी करेगा। तो पीडीएफ में हम डायनेमिक रिपोर्ट को तो पीडीएफ में डाल ही नहीं सकते, डालेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है डायनेमिक रिपोर्ट को पीडीएफ में डालने का। तो और कुछ किसे करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको करना पड़ता है पब्लिश। पब्लिश में सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना होगा। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे वर्क माय वर्कस्पेस को सिलेक्ट कीजिए, कोई और फोल्डर बना रखा है तो उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। अब आपका ये रिपोर्ट पावर बीआई पे चला गया। अब मैं अपने साइट पे जाके पावर बीआई की साइट को ओपन करता हूँ। साइन इन किया, और ये ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। अच्छा स्किप कर सकते थे इसको, लेकिन स्किप नाउ 14 डेज। अब देखिए हमने आज जो रिपोर्ट तीन एक मिनट अभी एफ यू को अलोट हुआ, माय वर्क स्पेस में जाता हूँ, डी एस से अच्छा अभी इधर किया ना मैंने, ठीक है सर, इधर से इसको किया है मैंने 7:04 में। अब इसमें दो चीज़ें, ये जो दिख रहा है डेटा से, मतलब कि आपकी डेटा यहाँ पे आगे पब्लिश, ये आपका आता रिपोर्ट से। तो डेटा में कुछ चेंज करना चाहो तो डेटा पे भी क्लिक करोगे तो आपका डेटा यहाँ पे आता है। अभी हमारा रिपोर्ट आ गया और यहाँ पे एक हम जैसे वहां यूज कर रहे थे ऐसे यहाँ भी यूज कर सकते। यहाँ पे कुछ अगर चेंजिंग करना चाहो तो यहाँ भी आपके फिल्टर्स और बाकी चीजें चेंज हो सकते हैं। अब मुझे इसको शेयर करना है तो फाइल में आता हूँ, सेव कॉपी, डाउनलोड दिस फाइल, मैनेज परमिशन, प्रिंट दिस पेज, ये तो नॉर्मल है। ए एक्सपोर्ट आता है पब्लिक, यहाँ पे दो चीजें हैं, पब्लिक यहाँ पे पब्लिक टू बेट करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट एम्बेड कोड और पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये आ गए आपकी लिंक आ गया। अब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रिपोर्ट कहीं भी देख सकते हैं, पहली चीज। लेकिन मुझे लिंक नहीं, मेरे पास मेरा एक आर्टिकल है या ब्लॉगर है, एक वेबसाइट है, तो मैं ब्लॉगर ओपन करता हूँ। ब्लॉगर में मैं यहाँ पे मान लीजिए कि एडवांस एक्सेल पे आता हूँ, ट्रेडिंग पे आता हूँ,
और ये मेरा एडवांस एक्सेल का है दिख रहा आपको यहाँ। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, नीचे जो है अपनी इस रिपोर्ट को आई फ्रेम कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ आपने देखा था कि यहाँ भी एम्बेड कोड था, हम इसको कॉपी किए और हमने इसको नीचे पहले से यहाँ पे देखिए पावर बी आई एक डला है पहले से, इसको इसी के नीचे एक और मैं कर देता हूँ। करने के बाद मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा या लाइव आप डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं, ये प्रीव्यू है। या फिर मैं इसको अगर बैक करता हूँ और यहाँ से व्यू करता हूँ यहाँ से, फिर मैं पावर बी आई ये देखिए ए मेरा है। अब इसके नीचे देखिए पावर बी आई हमारा लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। देखिए दो दो पावर बी आई रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट यहाँ पे लोड हो गए। अब देखिए इसमें एक फायदा है, सिर्फ रिपोर्ट लोड ही नहीं हुआ, चाहे यहाँ आपने देखा ये पावर बी आई खुला है, इसमें हम सारे जो स्लाइसर वगैरह है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं जब फैद का चाहिए फैद का रिपोर्ट आ जाएगा, कर्सर रखेंगे तो इसके ऊपर जो डिटेल्स है वो चली आएगी। तो सिर्फ ये आपका पीडीएफ की तरह शो नहीं करता है, यू हैव चेंज द माने कि आप अपने फिल्टर्स को चेंज कर सकते हैं, क्लिक्स चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और सेम जो है आपका यहाँ भी है कि यहाँ भी आप अपने हिसाब से रिपोर्ट किसी भी रिपोर्ट पे चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आपको याद दिख रहा है फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड में करते ही रिपोर्ट पूरा आपकी फुल स्क्रीन मोड में चली आती है, जहाँ से आप इसको ईजिली देख सकते हैं। So, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने ये रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर या डायरेक्टर के साथ शेयर करनी है और वो कहीं बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल इंडिया में कहीं बैठा हुआ है, तो मैं उसके साथ कैसे शेयर करूंगा ये? तो शेयर करने के देखिए दो चीजें है, दो तीन चीज। अगर रिपोर्ट आपका पब्लिक है मतलब कोई और भी देख ले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं कोई और नहीं, ये सारा इंटरनली है और ये हाँ, तो उसमें दो चीजें है, एक दो चीजें होती है। तो उनको अगर वो चाहते कि नहीं रिपोर्ट कोई पर्टिकुलर पर्सन ही देखे, कोई और ना देखे, राइट? एक पर्सन हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, तो उस केस में आपको उन इस रिपोर्ट को आपको जो है उनको पावर बी आई प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, समझ गए? तो वो उनको जो है पावर बी आई का ये अकाउंट है, अकाउंट उनके पास होना चाहिए, तो आप जस्ट उसको शेयर कर दोगे, शेयर हो जाएगा, राइट सर? ठीक सर, ठीक। दूसरा ये हो गया, दूसरा पहला ये हो गया आपका कि रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिंक बनाते हैं तो ये लिंक कोई भी इसको ओपन करके देख सकता, देखता है। कोई लॉगिंग सिस्टम तो है नहीं, एनीबॉडी ओपन अ लिंक, आपने अगर किसी वेबसाइट के अपना कोई वेबसाइट चला उस पर डाला तो जो इस पेज को एक्सेस करेगा वो आपकी रिपोर्ट को एक्सेस कर लेगा, ठीक है? लेकिन तीसरा एक और चीज है कि उनको बोलिए पावर बी आई का ऐप डाउनलोड करें। हाँ जी, मैं यही कह रहा था, ठीक है। अच्छा ऐप जो है, ठीक है। हाँ, तो ऐप तो देखिए क्या है कि मैं अपने पावर बी कंसोल में जाता हूँ, मैंने क्या किया फाइल में यहाँ देखिए जनरेट क्यूआर कोड, ठीक है क्यूआर कोड जी सर। अब इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करके भेज दीजिए, भेजने के बाद उनको क्या करना होगा, उनको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगा, मैं एक बार मैं अपने सेलफोन में आ जाता हूँ जूम पे, दो मिनट दीजिए सर, मैं खुद ज्वाइन सेलफोन के जरिए खुद इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने क्या किया इस अपने अपने आप को होस्ट बना दिया, अब मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, अब आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, राइट? जी सर। मैं पावर बी आई पे गया, पावर बी आई ऐप दिख रहा है, हमने इसको ओपन किया, ये ऐप फ्री है, ठीक है ना?
और इसको भी कंटिन्यू रिपोर्ट था साइन इन करने के लिए बोला है आपको साइन इन करना पड़ेगा कौन ने लिखा आपने कौन लिख दिया इसमें जस्ट हम जो है ना ये कर सकते हैं पावर में साइन इन करना पड़ेगा आपको साइन इन करने के बाद आपको क्या करना होगा इसको बस स्कैन करेंगे आ जाएगा बट ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही स्कैन तो हो जाता था एक मिनट में दूसरे मोबाइल पर देखता हूँ उसमें स्कैन है एक मिनट जैसे Potrei giù l'ho appena portato i dati e mi capisci non metto मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा है सर जी बस आ गया समझ में स्कैन से सिंपल स्कैन करेगा ना सर तो स्कैन करते ही वो आपका रिपोर्ट देख सकता है ठीक है सर नो प्रॉब्लम सर अब दोबारा मुझे शेयर कीजिए पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है चेक कर लीजिए और कैन मोबाइल पर ठीक तो मैं कल इसको मैं ट्रायल दिखा दूंगा ठीक है नो प्रॉब्लम सर आप ये शीट पे वापस जाइए तो जैसे कि क्यू आर कोड किसी को भेज दिया और अपना ऐप ओपन करेगा साइन इन करेगा और जस्ट इसको स्कैन करेगा ये रिपोर्ट उसको मोबाइल फ़ोन पे दिख जाएगी सिस्टम पे देखना चाहते हैं तो तीन तरीके मैंने बताया आपको तीन तरीके में आपको मैंने पीडीएफ बोला तो पीडीएफ के लिए नॉर्मल है लेकिन इंटरनेट आप वेब पेज बोल रहे हैं लिंक बोल रहे हैं लिंक पर प्रॉब्लम है कि हर कोई इसको कोई देख सकता है रिपोर्ट आपकी
रिपोर्ट सिर्फ देखिए डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, जस्ट रिपोर्ट देख पाएगा। तीसरा, अगर आपके जितने भी लोग हैं अगर वो पावर बी आई प्लेटफॉर्म पे हो है, तो जस्ट शेयर कर सकते हैं और शेयर करके आप रिपोर्ट दे सकते हैं, तो वो वही लोग सिर्फ देख पाएंगे जैसे कि जो लोग को आपने शेयर किया। जैसे कि गूगल ड्राइव होता है ना सर, जी जी सर, समझ आ गई। एक होता है कि आप एनीवन को लिंक दे दें, दूसरा होता है कि आप थी सिलेक्टेड ईमेल आईडी को आपने कर दिया शेयर, तो वो सिलेक्टेड ईमेल आईडी ही आपका रिपोर्ट देख पाता है। मेरा क्वेश्चन